नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु पुलिस ने एक महिला सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 30 बोर पिस्तौल, एक खिलौना पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिल किए बरामद। अमृतसर में बीएसएफ की तरफ से सीमा प्रहरी मैराथन 2024 का हुआ आगाज। देश के अलग अलग राज्यों से युवक युवतियां, बच्चे, बुजुर्ग मैराथन में ले रहे भाग। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 2 दिवसीय दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव एवं 691 प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के पहले दिन विभिन्न संस्थाओं के जुड़े लोगों ने लगाई हाजिरी। अरब हलचल विस्तार से। एसएसपी देहात जंडियाला गुरु सतेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एसएचओ जंडियाला गुरु मुख्तियार सिंह की अगुवाई में जंडियाला गुरु पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। इस अवसर पर एसएचओ मुख्तियार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राजवीर सिंह निवासी गांव बंडाला, जिसे जंडियाला गुरु की रहने वाली सुनीता, उसका बेटा साहिल, उसका भाई बाबा और 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर अपने घर के अंदर 2 दिन नजर बंद कर रखा और उसकी मारपीट भी की। तो वहीं जब पुलिस की ओर से उस घर की तलाशी ली गई तो वहां से राजवीर सिंह बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि उनके घर से एक 30 बोर पिस्तौल भी बरामद हुआ। तो वहीं इस केस में अन्य दोषी व्यक्ति जोबनजीत सिंह और उसका भाई विक्रमजीत सिंह, वासी वैरोवाल रोड जंडियाला गुरु, दिलशेर सिंह नंगल गुरु, जोबनप्रीत सिंह पखोके, राजवीर सिंह का मेडिकल करवाकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब रहे कि राजवीर सिंह को मोटरसाइकिल चोरी करने के संदेह में अगवा किया गया था। इसके अलावा 2 लूटपाट करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के पास से लूटपाट की। इनके पास से एक तेजधार तलवार और एक खिलौना पिस्तौल भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जंडियाले दी सुनीता मैडम ने, उन्हों का लड़का साहिल, एक उसका भरा बाबा, तो 4-5 होर बंदियों के नाल इन्होंने वो घरों जाके बंडाले ने उन्होंने किडनैप करके गड्डी अपनी वेंटो वाइट कलर की लिया के अपने घर बंद किया, तो कुटमार की है। वो फिर असी जो 2 दिन उन्होंने बंद रखे, कुटमार की जाके ये घर की जो सर्च की तो सू राजवीर सिंह फकर बरामद होया। बरामदगी तो बाद घर की सर्च की, इन्होंने घर तो एक पिस्टल मिलया 30 बोर नजायज़, वो बरामद किया। तो उन्होंने नाल इस टीम के जोबनजीत सिंह तो भरा विक्रमजीत सिंह वैरोवाल रोड के रहने वाले आ, एक दिलशेर सिंह नंगल गुरु, तो जोबनप्रीत सिंह पखोके, ये कुल 7 बंदे सीगे। 7 दे 7 ही मौके पर अरैसट कर लिया, तो जिहड़ा है राजवीर सिंह जिन्हों किडनैप करके अगवा करके कुटमार की सी उन्हों बरामद कर लिया। वह मेडिकल करवा के असी FIR दर्ज कर दिती हैगी आ, ते अगली तफ्तीश दी चल रही है। कारण का जो पुछगिछ की तो कहता भी मेरे से चोरी का, मोटरसाइकिल की चोरी का परिवार इल्जाम लाता से, तो मैं सफाई दी भी मैं यहोजा कोई नहीं किया, ना मेरे घरों बरामद की, मेरे घर की सर्च भी बंडाले की करके, मैंने किडनैप करके 2 दिन हिरासत च रख के कुटमार कर। देश के 77वें आजादी महोत्सव को समर्पित अमृतसर के गोल्डन गेट से बीएसएफ की ओर से सीमा प्रहरी मैराथन 2024 का आगाज किया गया, जिसमें 3 पड़ाव 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग भागों से लोग पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में इस दौड़ में भाग लिया। बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में पहले स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले को 30,000 रुपए, तीसरे स्थान पर आने वाले को 20,000 रुपए और चौथे स्थान पर आने वाले को 10,000 रुपयों की इनाम राशि दी जाएगी। इस मैराथन में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब वर्ग से संबंधित लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो नशे का रुझान चला हुआ है, उससे मुक्ति के लिए बीएसएफ की ओर से ये कदम उठाया गया है, ताकि नौजवान पीढ़ी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए नशों से मुक्त रह सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, मेरा नाम जोगविंदर सिंह उर्फ मान संधु निशहरिया, मेरा पिंड निशहरा टला जिला तरनतारन। ये जरा काम कर रहे हैं मोटर सिक्योरिटी फोर्स, बहुत ही शलाघाजोग कदम है। ये एक तो नौजवानों नशिया तो दूर रहन का वधिया एक ढंग आ, जरा इन्हों आप मोटिवेट करते हैं। ये नाल दी नाल सानू उत्थे
जिदा कोई भर्ती आँदी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आर्मी की वो वास्ते सानू तैयार करते हैं। मेन मोटिव यह है भी हर पिंड जो कैंप लाते छोटे छोटे कैंप ला के एक नौजवानों खेडने वास्ते समान देंगे जो साढ़े ना एक प्यार दोस्ती वाला इन्ना रुपया रखते उ सानू कोई दिक्कत नहीं आती इन्हों के। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू स्टेट से हूँ। मैं आज यहाँ पे 42 किलोमीटर मैराथन करने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि बीएसएफ की तरफ से हमें ये मौका मिला है कि हम 42 किलोमीटर रनिंग करेंगे। और एज कम्पेयर टू ये सिर्फ बीएसएफ या आर्मी फोर्सेस के लिए नहीं है, ये सिविल के लिए भी है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कि वो यहाँ पर आकर 42 किलोमीटर मैराथन करें, क्योंकि उनकी जो अंदर का जो एक होता है जुनून होता है वो जाग जाता है कि हम यस वी कैन डू इट। आज की मैराथन के बारे में जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारे देश का फिट इंडिया मूवमेंट है और पंजाब में नशा मुक्ति को लेके बड़ी चर्चा है, बड़ा अभियान है, ये दोनों को मिला के एक अभियान है। और हमारा हैशटैग भी है हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन, क्योंकि हम बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ निरंतर रहते हैं, बॉर्डर में उनके साथ ही रहते हैं, काम करते हैं, तो एक वो हमारा एक तरह से बीएसएफ का एक्सटेंशन है, तो उसी को भी रिकग्नाइज करते हुए बॉर्डर एरिया से हमने लोगों को बुलाया है, तो वो इसमें दौड़ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले साल और भी ज्यादा लोग इसमें आएंगे। भगवान श्री राम जी का महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इस शाप उद्धार पाठ को करने से करोड़ों लोग अपने दुखों, रोगों व कष्टों से मुक्त हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से ही भगवान श्री राम का महामंत्र काम करता है, जिसका जाप करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे माँ दुर्गा का कथन है। ये उद्गार परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में शुरू हुए 2 दिवसीय दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव एवं 691 प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के पहले दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को व्यक्त किए, जिसके बाद समागम में श्रद्धालुओं के अनुभव सुनकर वहां उपस्थित डॉक्टर, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी हैरान रह गए। समागम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं के विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रभु कृपा ग्रहण की। इससे पहले परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का श्री देवी तालाब मंदिर पहुंचने पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महासचिव सुशील वर्मा गुरुदास ने कहा कि भारतीय सनातन शक्ति और संत परंपरा का पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हरि ओम सती
बीज मंत्र वार्षिक उत्सव की शुभ घड़ी देखो आई है। सतगुरु जी की कृपा से माने कृपा बरसाई है। 2003 में सिद्धपीठ शक्तिपीठ छतरपुर मंदिर मार्कंडे भवन जहां मां भगवती का महाआलोक पूरा विश्व जानता है प्रारंभ हुआ था। और निश्चित रूप से अद्भुत महायोग हुआ जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का प्रागट्य दिवस 22 जनवरी आया। 22 जनवरी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रागट्य दिवस पर 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला विराजे, प्राण प्रतिष्ठित हुए। और ये भी इस युग का बहुत अद्भुत आलोक है क्योंकि दुख अंधकार है। श्री गुरु मैखाना महाग्रंथ जी महाराज में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 12 वर्ष की आयु में रचा। निश्चित रूप से आप समझिए कि 23 फरवरी 2003 को दिव्य बीज मंत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने प्रदान किए, वो अद्भुत पैमाना प्रदान किया। लेकिन उसकी जो एक कल्पना है, कल्पना ना कहिए, एक आलोक है, वो 12 वर्ष में रच दिया था। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे महापुरुष को जिनके विषय में क्या कहा जाए, शब्द नहीं है, जिनकी सेवा के विषय में, जिनकी विद्वता के विषय में, जिनकी विनम्रता के विषय में क्या कहा जाए। सिद्धपीठ शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान, दैनिक सवेरा जो प्रमुख समाचार पत्र है उसके प्रधान संपादक, प्रमुख समाज सेवी, बहुत कुछ कहा जा सकता है इन महापुरुष के बारे में। तो मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री शीतल विज जी, इस पावन महा ऊर्जावान स्थान की ओर से, पावन जालंधर की ओर से, पावन पंजाब की ओर से, पावन भारत की ओर से, पावन विश्व की ओर से, परमादरणीय श्री शीतल विज जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं रोज पाठ करता था और 5 साल पाठ करता था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो करते करते मैंने कहा ये क्योंकि मैं पहले नहीं मानता था दुर्गा माता को, पाठ पूजा को नहीं मानता था, संकट आ गया, पीड़ा आ गई। तो एक बड़े संत महात्मा थे, कहता आप दुर्गा सप्तशती का उत्कीर्ण निष्कीर्ण पाठ करो। तो मैं वो क्या होता है, कहता है लिखा हुआ देखा तो नजर न आए।
कह गए तो अंतर ध्यान हो गए। फिर मुझे 10 साल लगे, सबसे पूछा ब्राह्मण के, तो हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस आते हैं पाठ कर देते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते एक रात तो मैं कहा माता जी, दुर्गा माता जी, हमें पता नहीं लग रहा है क्या, उत्कीलन क्या है, परिहार क्या है, प्रज्ञा क्या है, आरोह अवरोह क्या है इसका। सुबह में उठा तो उठते ही अचानक मैं पाठ करते करते सो गया, दुर्गा सरस्वती बेड पे रहेगी। तो जैसे मैंने खुला तो वो पेज खुल गया जिसमें उत्कीर्ण निष्कीर्ण सबों द्वारा लिखा हुआ था, वो अपने आप ही खुल गया। अद्भुत, ऐसी दुर्गा माँ अपनी कृपा करती है। तो वो मैं कल आपको दूंगा, कल आप आसन न्याय लगा के बैठ रहा और शुद्ध होके वो जो मिरेकल भी वास है, थोड़ा जल में भी डाल लेना, जल से भी स्नान कर लेना, हाथ से भी कर लेना, अपने जब भी बैठो अपने अंगों को, गुप्तांगों को जरूर उसमें एक ढक्कन डाल देना और जल डाल देना ग्लास, बस उसी से पवित्र हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की ओर से अमृतसर के भंडारी ब्रिज के नजदीक कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर, आम आदमी पार्टी के विधायक और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के शहरी अध्यक्ष मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में ये कार्यालय खोला गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस कार्यालय से शहर के लोगों को काफी फायदा होगा। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि उन्हें लोगों के सहयोग की पूरी उम्मीद है। इस मौके पर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर को दोबारा चीफ खालसा दीवान का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर चीफ खालसा दीवान को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारे सीनियर साथी जड़े हैं वो इस मौके पे जड़ा आए हैं। ये जड़ा दफ्तर है, पहला भी साडा इत्थे दफ्तर सीगा पार्टी दा, लंबा समा इत्थे दफ्तर है बिल्डिंग दे विच, क्योंकि इस दफ्तर दे विच इस बिल्डिंग दे विच आउणा जाणा वलंटियर वास्ते, मीडिया वास्ते, जां कोई धरना प्रोटेस्ट करना साडे लई बहुत सौखा सीगा। इस करके दोबारा असी इसे जगह दे उत्ते दफ्तर जड़ा खोलिया और आने वाले समय दे विच पार्टी दीआं सारीआं सरगर्मियां जिहड़ियां वो इस दफ्तर तो केंद्रित रहणगीआं। सारे ही लोगों दीआं रोज़ समस्यावां सुणदे आ, समस्यावां हल करदे आ। फिर भी जे किते किसे वर्कर दी समस्या हल नहीं होई जां पब्लिक दी हल नहीं होई तो साडे इस दफ्तर। पंजाबी सिंगर और अदाकारा सतेंद्र सत्ती सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास की और वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा किया। सतेंद्र सत्ती मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अमृतसर में चल रहे रंगला पंजाब कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और वह किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सिफती दा घर शहर अमृतसर नगरी है मेरे सोढ़ी सुल्तान दी। सो ये तो वह घर है जिसने सब कुछ दिता है। इतने आना तो बड़े जो बाबा आवाज देवे तो बंदा उदों ही आ सकता है। सो मेरी कोशिश होंगी है, मैं लगता हर बंदे की जोड़ा अमृत श्री अमृतसर साहब आंदा है कि वह इस दर पर जरूर मत्था टेक के आए। सो अज सानू भी बाबा जी ने आवाज़ दिती है तो असं दर्शन ही आए हैं। सरबत दे भले की अरदास है कि पूरी धरती जिहड़ी वो अमनो अमान दे नाल रहे, लोगों के घर च दरां च सुख जरूर होवे, शांति होवे, अमन होवे। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो ये आपके लिए बड़े काम की खबर साबित होने वाली है, क्योंकि देश का जाना माना इवेंट ऑर्गेनाइजर टिमटिम बाजार आपके लिए जालंधर में 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहा है। ये एग्जीबिशन जालंधर के होटल शंग्रीला में 24 फरवरी दिन शनिवार को शुरू होगी, जो 25 फरवरी दिन रविवार तक जारी रहेगी। इस फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में जालंधर वासियों को उनके पसंदीदा प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। इस बात की जानकारी इवेंट ऑर्गेनाइजर टिमटिम बाजार की प्रमुख मीनू मनोचा ने दैनिक सवेरा संवाददाता के साथ बातचीत में दी।
उन्होंने बताया कि नव वर्ष 2024 के शुरुआती हफ्ते में जालंधर में आयोजित एग्जीबिशन को शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसी कड़ी के तहत वे अब जालंधर में फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रही हैं। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि इसमें जालंधर वासियों को एक ही छत के नीचे उनकी पसंदीदा वैरायटी के सारे प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन और सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हाय, आज हम चार्टर बॉक्स आए हैं यहाँ पे शंग्रीला में, जो कि दो दिन की एग्जीबिशन लगी हुई है। आज हमारा लास्ट डे है और हम स्पेशल लुधियाना से आए हैं अपनी कॉट सेट्स और सब इंडो वेस्टर्न्स वेस्टर्न्स यहाँ पे लेके, और बहुत इकोनॉमिकल प्राइजेस में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 8। वीएट नज़ाकत थोड़े वास्ते बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, नए आइटम्स है ने, नए प्रोडक्ट्स है ने, फुटवेयर थे लेडीज़ न्यू एडिशन आए हैं, रेंज इज फ्रॉम 900 to 1800 एंड वी विल डू ऑल योर सर्विसेज। थोड़ा गुजारिश है कि आके थोड़ा सारा कुछ नवा आया, आज बहुत टाइम तो बाद नवा कंसाइनमेंट आया है। टिमटिम बाजार एग्जीबिशन लगाई जी स्टॉल नंबर 15 वी फैब्स को, डिजाइनर वैरायटी लेके आए कॉटन दे विच एंड पार्टी वेयर भी फुल है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम लगाई है जी, फर्स्ट ट्राई है। बहुत बढ़िया रहा जी एक्सपीरियंस हमारा, सेकंड टाइम है टिमटिम बाज़ार में, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर, क्राउड बड़ा अच्छा आता है और तभी हम दोबारा बार बार ऑप्ट कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। आप भी ज़रूर यहाँ पर कोई भी एग्जीबिशन लगानी हो जलंधर वाले, ज़रूर आएँ और लगाएँ, अपना अपना स्टॉल यहाँ पर लें, बहुत ही बढ़िया रहता है रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। ब्रांडेड सरप्लस है ये एंड वी आर सेलिंग इट फॉर 1 for 1000, बट फ्रॉम येस्टरडे नाइट वी हैव डन इट लाइक 1500 फॉर 2 एंड द टॉप्स दे आर फ्रॉम ज़ारा, बनाना रिपब्लिक एंड एवरी ब्रांड इज़ देयर, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, देख सकते हो कितने प्यारे स्टफ्स है एंड दे आर जस्ट फॉर 3 for 1000 एंड we have lots of brands, we have all the pocket friendly stuff with us, the tops they start from 500 and they go till 2000, all are budget friendly and pocket friendly.